जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं आरसीएम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आदरणीय डीसी सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यानी कि तुलसी पेंट्स की सेकंड जनरेशन को एक मौका दिया कि हम दुनिया में पहली बार एक कमर्शियल प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना सके। मैं यूईएस की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसे प्रोग्राम का आयोजन किया जो इस सेकेंड जनरेशन की विजन में ऐसी क्लैरिटी लाएगा कि हम अपने करियर को एक सही दिशा दे पाएंगे। साथियों, मेरे पिताजी सुरेश जी धूत और मेरे बड़े भाई साहब कैलाश जी राठी, इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत सन 1997 में की थी। तुलसी पेंट्स की शुरुआत 1997 में की थी और सन 2012 में जब मेरी इंजीनियरिंग मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुई और मैं अपने फॉर्मल एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करने की सोच रहा था तो मैंने अपने पिताजी से ये बात कही तो उनका कहा हुआ जो जवाब था वो मेरे साथ शायद पूरी जिंदगी रहेगा। उन्होंने कहा था कि तुझे अपने बिजनेस के बारे में जो मैं सिखा सकता हूं वो दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री नहीं सिखा सकती। साथियों, लोग सिर्फ विरासत में आई हुई संपत्ति, धन, जायदाद इसकी बात करते हैं। मैं कहता हूं कि सेकेंड जनरेशन को क्या कुछ विरासत में नहीं मिलता। परिवार का सपोर्ट मिलता है जिसके लिए पहली जनरेशन को जूझना पड़ा था, लड़ना पड़ा था कि जब आप पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में गए तो किसी ने आपका अपोज किया। सेकेंड जनरेशन को तैयार सपोर्ट मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है, अच्छे लोगों का साथ नेटवर्क मिलता है, न जाने कितने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और सबसे बड़ी चीज जो मिलती है वो है अनुभव जो विरासत में मिलता है। मैंने 2012 में जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया तो मेरे पिताजी का पेंट इंडस्ट्री का अनुभव 15 सालों का था, मैंने सिर्फ 10 साल काम किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेंट इंडस्ट्री का अनुभव 25 सालों का है। वो कहते हैं ना कि एक फल देने वाले पेड़ की देखभाल शुरुआती सालों में करनी पड़ती है, लेकिन उस समय वो पेड़ कोई फल नहीं देता, बाद में तो बिना देखभाल के वो फल जिंदगी भर छाया, वो पेड़ जिंदगी भर छाया और फल देता रहता है। मुझे बेहद खुशी है कि मैंने उस पेड़ को बड़ा करने का निर्णय किया। मुझे बेहद खुशी है कि एज अ सेकेंड जनरेशन मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन करने का निर्णय किया। साथियों, आज यूथ याना है, बहुत जबरदस्त एनर्जी मैं महसूस कर पा रहा हूं। मैं यही कहूंगा कि दुनिया में पहली बार एक कमर्शियल प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बना है। अगर यूथ आज निर्णय कर ले तो जो पिछले 20 सालों में हासिल किया गया वो अगले 2-3 सालों में हम हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। जय आरसीएम साथियों।